दूसरी तरफ है शेख लगस एक एटी। पहला रेडियम किया जाता हुआ है हमें नगर का और इधर तफसील आए हैं रेड करने के लिए शेख लगस की तरफ से। जबकि मैच का शुरुआती समय है तो दोनों टीमों का कोर्ट फुल हाउस है। क्या यहाँ पर पॉइंट अर्जित करेंगे तफसील? ये पहला रेडियम की बोनस का अटैम्प्ट और पॉइंट अर्जित करते हुए एक पॉइंट का इशारा आया तो पहला पॉइंट यहाँ पर शीतला के अर्जित करते हुए बोनस के जरिए सॉरी टच पॉइंट के जरिए यहाँ पर तफसील के द्वारा और रेडियम की जाती हुई तफसील एक बार फिर से रेड पर। जबकि छह खिलाड़ियों के साथ इस समय डिफेंस कर रही है टीम अहमदनगर। क्या खूबसूरती के साथ यहां पर रेडर आउट और इधर टू एंड डाई अहमदनगर की टू एंड डाई खिलाड़ी है लाइफ लाइन है अच्छा डैश यहां पर रेडर आउट आरिफ इस समय रेड पर है शीतलागंज और अहमदनगर पॉइंट अर्जित कर लिया है उन्होंने तो शुरुआत में ही एक एक करके पॉइंट बटोरने की कोशिश इस समय शीतलागंज एक ही टीम का। ये पहला सेमीफाइनल मुकाबला है इस टूर्नामेंट का अहमदनगर और शीतलागंज के बीच खेला जा रहा है। तफसील इस समय रेड पर लकी कुशल रेड पर टैकल कर लिया गया था जबकि पांच खिलाड़ियों के साथ इस समय डिफेंस करते हुए टीम और एक बार फिर से टैकल किया गया है। क्या खूबसूरती के साथ दोनों पैरों को होल्ड किया गया कोई मौका नहीं रेडर के पास। आरिफ इस समय सपोर्टिंग रेडर का कार्य करते हुए बोनस का अटैम्प्ट हालांकि मेरे पीछे टू एंड आई इमरान की कमेंट्री चल रही है टू एंड आई रेट पर इस समय रेडर अहमदनगर। हालांकि बोनस ऑन है समय धीरे धीरे निकल रहा है यहाँ से तो जैसे जैसे समय 27 वैसे आशिक जब तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू होती है तो मेरे घर के पांव खुद ब खुद रुक जाते हैं। पांच खिलाड़ियों के साथ मजबूत है दोनों टीमें लगातार अटैक पे अटैक कर रही है। रेड एरो सालिम इस समय रेड पर जबकि पांच खिलाड़ियों के साथ डिफेंस कर रही है टीम सालिम काफी देर बाद अपने आप को लाए हैं रेड के लिए। क्षमता है काबिलियत है उनके अंदर लेकिन क्या खूबसूरती के साथ यहाँ पर सोलर टैकल का शिकार हुए हैं। लेकिन लाइन जंप लगाने की कोशिश उनके द्वारा की जा रही थी लेकिन हवा में ही कैच कर लिया गया। ये
चलिए रेडियम की गई तफसी। इस समय जबकि 6 खिलाड़ियों के साथ डिफेंस कर रही है टीम, ये स्कोर एक बार जरूर बता दीजिए। क्या एक बार फिर से टैकल किया जाएगा तफसीर को या कुछ पॉइंट अर्जित करेंगे वो टीम के लिए? इस बार कामयाबी मिली है, पॉइंट अर्जित किया है उन्होंने। 1 मिनट 12 सेकंड का खेल बचा हुआ है पहले हाफ में। 1 मिनट 12 सेकंड का खेल बचा हुआ है जबकि पहले हाफ का खेल चल रहा है। 6 और 4 7 और 4 का स्कोर है इस समय। 4 पॉइंट है अहमदनगर के पास जबकि 7 पॉइंट है शीतलागज के पास। 8वां पॉइंट यानी कि फासला दोगुने का हो चुका है। 4 पॉइंट का 37 सेकंड बचा था जब ये रेडी स्टार्ट हुई थी। 1 पॉइंट अर्जित कर लिया उन्होंने। तो उस हदफ को पाटने की जो कोशिश थी उसमें तो 1 पॉइंट का लाने में कामयाब रहे। चलिए यहाँ पर पॉइंट हाफ टाइम कंप्लीट हो गया है। पहला हाफ के खेल के समाप्ति। हालांकि दरोगा की टीम इस समय संकट में है तो मधुली भागना चालू कर देगी। अरे हम उस दरोगे की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं दरोगा जो खिलाड़ी है उनकी बात कर रहा हूँ। चलिए ऑल आउट हो गई थी, ऑल आउट हो गई दरोगा की टीम जबकि कोर्ट फुल हाउस है इस समय शीतलागज की। मैच इस समय चल रहा है, सेकंड हाफ का खेल इस समय चल रहा है। आशिक इस समय पूरी तरीके से निगाहें गड़ाए रखे हैं कि चूंकि दो इनाम लगाया गया है, एक गिफ्ट रेंडर का रौनक ढाबा की तरफ जाकिर की तरफ से और दूसरा टुनटुन ढाबा की तरफ से, बेस्ट रेडर और बेस्ट डिफेंडर का। बॉडी लैंग्वेज अब मुरझाना शुरू कर दिया है यहाँ पर अहमदनगर का, अहमदनगर की। चलिए पर पीछे की जो बेंच है वो खाली कर देता सब कृपया करके। हालांकि यहाँ पर टैकल किया गया है तो क्या वापसी का संकेत है ये? 7 और 14 यानी कि दोगुने के फासले पर है शीतलागज की टीम। 5 खिलाड़ियों के साथ इस समय डिफेंस और यहाँ पर 1 पॉइंट आ गया और गुफरान गए थे टैकल करने के लिए। 15-17 के बीच क्या सही तफसील ने एक और शिकार किया, एक और पॉइंट आता हुआ, एक खिलाड़ी को रिवाइव कराया है यहाँ पर ताकि सालिम आज काफी खामोश नजर आए हैं अभी तक। सबसे के द्वारा गलती की गई, 2 पॉइंट यहाँ पर। तो एक मौका हो सकता है, सुनहरा मौका हो सकता है अहमदनगर के लिए वापसी के लिए, क्योंकि सिर्फ 3 खिलाड़ी अगर यहाँ पर ऑल आउट देने में कामयाब हो गई अहमदनगर की टीम तो कहीं ना कहीं मुश्किल हो सकती है शीतलागज के लिए। 3 मिनट 8 सेकंड का खेल बचा हुआ, 3 मिनट 8 सेकंड का खेल बचा हुआ था जब ये स्टार्ट हुई थी। सुपर टैकल ऑन, क्या सुपर टैकल किया जाएगा या फिर रेडर पॉइंट लेकर के और बैक फुट पर धकेलेगा इस समय शीतलागज को? रेडियम टी गई, साली के समय रेट पर लगी, काफी खामोश नजर आए अभी तक। चलिए रेडर अहमदनगर
अच्छे रेड उनके द्वारा देखने को मिली थी। एक पॉइंट मिला, टाइम आउट लिया गया। टू एंड डायरेक्ट पे सर, अपने आप को कोर्ट पर लेकर के आए हैं। टू एंड डायरेक्ट पर सर, राशद ने शिकार कर लिया, टू एंड को यहां पर बचा लिया। क्या खूबसूरती के साथ अर्शद ने कवर कर लिया। इस समय ऋण तो जो थोड़ी सी मुश्किलें बन रही थी शीतलागंज के लिए, उसका थोड़ा सा हल जरूर निकाला है अर्शद ने। रेड यहां से एंटी जाती हुई, अर्शद एक बार फिर से रेड पर। आगे चल रही है शीत लागत की टीम, तो खेल लेना है। 26-27-50 सेकंड का खेल बचा हुआ है, तो कहीं ना कहीं अब मुश्किल होने वाली है। सिर्फ 50 सेकंड का खेल बचा हुआ है, तो सेमीफाइनल से क्या सफर खत्म हो जाएगा दरोगा एंड कंपनी का। सुपर टैकल 2 पॉइंट और सब संकेत इस सुपर टैकल के जरिए कि दरोगा एंड कंपनी का बोरिया बिस्तरा यहां से बढ़ने वाला है, जो कि 22 सेकंड बचा हुआ है। अट्ठाईस जो कि एक लास्ट रेड होगी, ये लगभग लास्ट रेड ये